हेलो दोस्तों, मैं हूं अशम अकरम और आप देख रहे हैं डिजिटल इडियट चैनल। आज हम आपको बताएंगे कुछ ब्रेकिंग न्यूज़ के बारे में। हम लोग कई दिनों से जानते हैं कि झारखंड जैक बोर्ड का जो था रिजल्ट अब पब्लिश हो गया है, आपका 9th क्लास और 8th क्लास का। और इस साल ही हम लोग इतना देखे कि 9th क्लास और 8th क्लास का जो बोर्ड लिया गया वो जैक के द्वारा लिया गया था। इससे पहले हम लोग जानते थे कि जैक नहीं लेते थे, स्कूल के ही तरफ से लिया जाता था। तो उसमें जो आपका 8th का रिजल्ट पब्लिश किया गया वो 16 तारीख को, और 9th का रिजल्ट पब्लिश किया गया था 11 तारीख को। तो उसमें जो बच्चे फेल किए हैं उनका क्या होगा, या उनको जैक की तरफ से क्या न्यूज़ है, उनके बारे में आज आपको बताएंगे। और हम आशा करेंगे कि आप लोग मेरे पिछले वाला वीडियो देख चुके हैं और रिजल्ट कैसे डाउनलोड करना ये भी जान गए हैं, और आशा करेंगे कि रिजल्ट भी आप लोग डाउनलोड कर चुके हैं। तो आज आपको हम बताएंगे कि 8वीं बोर्ड में यानी 8वीं में जो 75,000 और 9वीं में जो 42,000 बच्चे असफल रहे हैं उनको जैक की तरफ से फिर एक बार क्या किया जाता है, फिर से वो परीक्षा देने का मौका दिया जाता है। तो इस बारे में आज हम इस वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट कि इस चैनल के बारे में आपको जानकारी दे देते हैं कि इस चैनल में हम जैक बोर्ड से रिलेटेड, पॉलिटेक्निक से रिलेटेड और बीएड से रिलेटेड, और 9th 10th उसके बाद 11th 12th का साइंस बैकग्राउंड में, साइंस ग्रुप में भी इंटर का, इसमें एकदम सिलेबस को कवर किया जाता है वन बाय वन करके, इसमें वीडियो बनाया जाता है और वीडियो को दो कैटेगरी में बना के देते हैं, एक तो बोर्ड में समझा कर और दूसरा आपको नोट प्रोवाइड करने के लिए। तो वीडियो को ना चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए हम लोग अब देर नहीं करेंगे, वीडियो को शुरू करते हैं और इसका जो नोटिफिकेशन है या क्या है उसको भी आपको दिखाएंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो ये आपका एक न्यूज है कि 8वीं में और 9वीं में परीक्षा में इस बार लगभग 1.17 लाख यानी 1.25 लाख बोल सकते हैं लाख जो असफल बच्चों को जून में सप्लीमेंट्री परीक्षा देने का मौका मिलेगा। यानी इस बार सप्लीमेंट्री परीक्षा फिर होगा, जो लोग 8th क्लास में और 9th क्लास में फेल कर चुके हैं, असफल रहे हैं, उनको एक सप्लीमेंट्री परीक्षा देने का मौका दिया जाएगा। ठीक है, शिक्षा विभाग जैक ने जून में सप्लीमेंट्री परीक्षा आयोजित करने को लेकर दिशा निर्देश देगा, यानी सप्लीमेंट्री परीक्षा को आयोजित करने के लिए दिशा निर्देश देगा। विभाग के सचिव अमरेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि जैक को जल्दी ही सप्लीमेंट्री परीक्षा लेने को निर्देश दिया जाएगा। यानी जैक जो है उसका आपका शिक्षा विभाग ने ये बताया कि शिक्षा विभाग के जो सचिव है उसने बताया कि जैक को यह निर्देश दिया जाएगा कि जल्दी वो सप्लीमेंट्री की परीक्षा ले। जो पाँचों विषय में भी असफल रहे हैं, कोई कोई ऐसा भी हुआ है स्टूडेंट के पाँचों विषय में वो असफल रहे हैं, जिन्हें भी परीक्षा देने का मौका दिया जाएगा, उसको भी परीक्षा देने का मौका दिया जाएगा। नई व्यवस्था में पहली बार जैक ने परीक्षा आयोजित किया, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जैक ने इसी बार ही इसका परीक्षा का आयोजित किया था। इसके पहले स्कूल के तरफ से वो लिया जाता था, लेकिन जैक ने इस बार क्या किया, परीक्षा आयोजित किया है। इसे देखते हुए उन्हें एक मौका और मिलने चाहिए, और इसके लिए ही इसको एक बार मौका दिया जाता है, क्योंकि फिर हो सकता है कि अगले जो साल होगा फिर 8वें और 9वें बोर्ड का ये परीक्षा होगा, उसमें शायद सप्लीमेंट्री का एग्ज़ाम नहीं भी लिया जा सकता है, लेकिन इस बार लिया जाएगा, क्योंकि ये पहली बार है और बहुत सारे स्टूडेंट इसमें जानकार नहीं थे, बहुत सारे स्कूल इतना भी जानकार नहीं थे। जैसे आपका 9th क्लास का 1-2 महीना पहले ही बताया गया कि 9th का भी बोर्ड एग्जाम होगा, जिसका क्वेश्चन का पैटर्न भी पता नहीं था कुछ भी। तो इसको देखते हुए इस बार सप्लीमेंट्री एग्जाम का मतलब लेने के लिए मौका दिया जा रहा है। परीक्षा से पहले ऐसे बच्चों को फिर समर कैंप आयोजित किया जाएगा, जिनका जहां उनकी विशेष कक्षाएं आयोजित की जाएगी। यानी इनके लिए जो बच्चा फेल किए हैं उनके लिए एक अलग से कैंप बनाया जाएगा, उसके लिए बच्चों को मौका दिया जाएगा जो वो बच्चा फिर तैयारी करे और फिर जून महीना में उसका परीक्षा दे पाए। तो इसलिए यहाँ बताया जा रहा है कि 8वीं में 75,000 और 9वीं में 42,000 बच्चे असफल रहे। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर आप कमेंट में लिखें, और यहीं से आपसे हम ये चाहते हैं, इजाज़त चाहते हैं, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।